हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गुजरात सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर सो ये एग्ज़ाम 2021 में कंडक्ट हुआ था जीपीएससी के थ्रू एंड इसमें टोटल 300 हंड्रेड एम सी थे जिसमें 100 क्वेश्चन जो है आपके जनरल स्टडीज़ के थे एंड टू हंड्रेड जो हैं वो आपके फार्मा रिगार्डिंग थे तो वही जो फार्मा रिगार्डिंग क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हंड्रेड एम हम इस पार्ट में डिस्कस कर लेंगे एंड आज ही इसका सेकेंड पार्ट भी आ जाएगा शाम को तो so उसमें हम रिमेनिंग हंड्रेड क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेंगे इससे पहले इस सीरीज़ में क्वेश्चन पेपर्स मैंने दो और डिस्कस किए हुए हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एक आपका गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर 2010 का क्वेश्चन पेपर है एंड 2010 में ही एक लेक्चर एग्जामिनेशन हुआ था जी का सो so उसका क्वेश्चन पेपर दोनों मैंने डिस्कस किए हुए हैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड इस सीरीज़ में जो अदर वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स भी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे तो आप वहां से जा के वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं तो so चलिए अब भी स्टार्ट करते हैं सो so ये क्वेश्चन पेपर है सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर का क्लास टू का और ये एग्जाम हुआ था तीन अक्टूबर 2021 को सो so, अभी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो so, पहला क्वेश्चन है अ सैम्पल ऑफ पैरासिटामोल टैबलेट क्लेम्स टू कंटेन 500 हंड्रेड एम जी ऑफ पैरासिटामोल वट ऑन एनालिसिस बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट इट वॉज फाउंड टू कंटेन टू हंड्रेड एम जी एज़ पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट नाइनटीन फोर्टी दिस प्रोडक्ट वुड बी प्लेस्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स सो जो पैरासीटामोल टैबलेट है उसका एक सैम्पल लिया गया उसमें लेबलिंग की हुई थी कि उसमें फाइव हंड्रेड एम जी पैरासीटामोलॉल है लेकिन जब उसको एनालाइज किया गया गवर्नमेंट एनालिस के थ्रू सो उसमें सिर्फ टू हंड्रेड एम जी टैबलेट ही जो है वो पैरासीटामोल निकली सो एज़ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये जो प्रोडक्ट है ये आपका मिस ब्रांडेड ड्रग्स की कैटेगरी में जाएगा कि इसकी ब्रांडिंग जो है वो सही नहीं है इट डज़ नॉट क्लेम्स द राइट इन्फॉर्मेशन ऑन द लेवल सो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आर कंटेंड इन सो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स आपको शेड्यूल बी में मिलेंगे शेड्यूल बी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल एज पर द फार्मेसी एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट फार्मेसी एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेंट्रल काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है सो ऑप्शन ए है द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज वन ऑफ द एक्स ऑफिशियल मेम्बर्स ऑफ द सेंट्रल काउंसिल एंड इफ़ ही और शी इज़ अनएबल टू अटेंड एनी मीटिंग कैन नॉट ऑथोराइज अ प परसन टू अटेंड द मीटिंग सो ये एक ऑफिशियल मेम्बर आपका नहीं होता है सो so, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी एंड अदर स्टेटमेंट हैं इसमें वन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज नॉमिनेटेड बाई ईच स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एज द रिप्रेजेंटेटिव तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है एंड वन मेंबर इज़ इलेक्टेड बाई द मेडिकल काउंसिल ऑफ द इंडिया फ्राम अमंग्स मेम्बर्स तो इसमें इनकर स्टेटमेंट जो है वो रहेगी आपकी ऑप्शन ए सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सेवनटीन ऑफ द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक सब्सटांस एक्ट नाइनटीन एटी फाइव डील्स विद सो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टिस एक्ट का जो सेक्शन सेवनटीन है वो किसके साथ डील करता है सो इट डील्स विद द पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू प्रिपेयर ऑप्यूम सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट सो ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है तो स्टेटमेंट वन है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन एडवर्टाइज़ अ मैजिक रेमेडी फॉर ट्रीटिंग हेड एक सो इट इज़ इन करेक्ट एन एडवर्टाइजमेंट क्लेमिंग टू क्योर कैंसर इन मंथ इज़ पनिशेबल सो कैंसर को क्योर करना क्लेम करता है अगर कोई वो पनिशेबल एक्ट है सो इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट द मंत्र एंड कवचा आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मैजिक रेमेडीज मंथ एंड कवेज भी आपके मैजिक रेमेडीज की डेफिनेशन में so, इंक्लूडेड so, right है तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप आ जाएगी बोथ ए एंड सी सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का फंक्शन इनमें से कौन सा है सो टू कलेक्ट Or Maintain data on production, exports, and import market share of individual companies, profitability of companies, etc., for bulk drugs and formulation. So, this is a function to implement and enforce the provisions of the drugs price control order in accordance with the powers delegated to it. So, it is also a function. टू मोनिटर द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को मोनिटर करना तो ये तीनों आपके फंक्शन होते हैं एम पी पी ए के तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव दे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर द फॉलोइंग इज और आर क्रोएलिटी टू एनिमल क्रोएलिटी टू एनिमल के रिगार्डिंग इसमें हमें आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट सो विलफुली एंड अनरिजनेबली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इंजरियस ड्रग टू एन एनिमल तो ये एक क्रुअलिटी कंसिडर की जाएगी एनिमल के ऊपर अगर उसे विलफुली मीन्स अनरिजनेबली या फिर अपनी इच्छा से जो है वो एक इंजरियस ड्रग एडमिनिस्टर करवाया जाएगा सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए क्रुअलिटी टू एनिमल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ एडवांसमेंट बाई न्यू डिस्कवरी विच विल भी यूजफुल फॉर सेविंग ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स तो जो भी लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं किसी भी नए ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ठीक है उसकी जो भी एफिकसी सेफ्टी होती है जो डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं उसको करने के लिए एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हैं उसको क्रुअलिटी टू एनिमल कंसिडर नहीं किया जाता है देन एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ़ एडवांसमेंट ऑफ न्यू डिस्कवरी विच विल भी यूजफुल फॉर सेविंग लाइफ ऑफ एनिमल्स एनिमल्स की लाइफ को सेव करने के लिए एज वेल एज ह्यूमन बींग्स की लाइफ को सेव करने के लिए जो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट होते हैं दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज क्रुआलिटी टू एनिमल्स तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा ओनली ए ऑप्शन इज द क्रोयलिटी टू एनिमल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेंट विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड द राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट इट इज़ कॉल्ड सो अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है विद इन अ विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड अंडर द आर टी आई एक्ट सो इसे क्या कहा जाएगा सो इट विल भी कॉल्ड एज डीम्ड रिजेक्शन ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is or are intellectual property rights in india intellectual property rights in so copyright patent trademark these are the intellectual property rights so option d all of the above is correct next question hai, which of the following action is or are not ethical as per code of pharmaceutical ethics सो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन से एक्शंस जो हैं वो एथिकल कंसीडर नहीं किए जाएंगे सो हॉकिंग ऑफ द ड्रग्स शुड नॉट बी इनकरेज सो इट कैन बी कंसीडर्ड एज एथिकल टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ द कंपिटीटर बाय ऑफरिंग सो इट इज अनएथिकल। टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ द कंपिटीटर वाई नॉइंग नॉइंगली चार्जिंग लोअर प्राइस

सो इट इज गिवन इन सिग्नेचर सिग्नेचर होगा यहाँ पे ठीक है सिग्नेचर में ये दिया जाता है डायरेक्शन फॉर द पेशेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फार्मूला ऑफ यंग्स फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज सो चाइल्ड डोज के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या रहता है यंग्स फार्मूला के अकॉर्डिंग चाइल्ड डोज कैल्कुलेट करने का फॉर्मूला सो इट इज चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर डिवाइडेड बाई एज इन ईयर प्लस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय अडल डोज सो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द टाइप ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इनमें से फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का टाइप कौन सा है इमेसीबिलिटी इनसॉलिबिलिटी प्रेसिपिटेशन, सो ये तीनों ही आपके फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के टाइप्स हैं सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेक्जर्स आर सो एलेक्जर्स जो है वो आपकी हाइड्रो अल्कोहलिक प्रपरेशंस होती हैं दैट इज ऑप्शन सी इट इज़ अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अल्कोहल इज़ यूज टू एनहांस द सोलिबिलिटी ऑफ पुअर वाटर सोल्यूबल ड्रग्स पुअर वाटर सोल्यूबल ड्रग्स की सोलिबिलिटी को एनहांस करने के लिए अल्कोहल का यूज़ किया जाता है किस मेथड में तो so, ये मेथड होता है आपका कोसोलवेंसी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग सुपोजिटरीज आर नॉन एज पेस्टिज किन किस टाइप की सुपोजिटरीज को कहा जाता है सो बेजिनल सुपोजिटरीज को पेस्टडीज कहा जाता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन in इंडिया डैश वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इज कंसीडर टू बी इक्वल टू हंड्रेड वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट सो कितनी वॉल्यूम अल्कोहल की कंसीडर की जाती है प्रूफ स्पिरिट की हंड्रेड वॉल्यूम्स के बराबर सो इट इज़ फिफ्टी सेवन पॉइंट वन वॉल्यूम्स ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू हंड्रेड वॉल्यूम्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट तो यहाँ पर जो प्रूफ स्पिरिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है प्रूफ स्पिरिट आपका एलिगेशन मेथड आपका डोज कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूलाज होते हैं उनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है एंड वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे सो so, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ द डिस्पर्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ माइक्रो इमर्शन सो रेंज ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स की रहती है माइक्रो इमर्शंस में सो इट इज़ हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड आर्मस्ट्रॉन्ग्स ऑप्शन इज द राइट आंसर तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस बार ये आपका यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में भी देखा गया था सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स व्हिच इंप्रूव्स द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स सो ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को कौन सा इंग्रेडिएंट इनमें से इंप्रूव कर सकता है सो इट इज ग्लाइडेंट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलीमॉप पॉलीमॉप की डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं उनका ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी यहां पे हमें देखना है तो so, सबसे ज्यादा होती है आपकी मॉरफस देन मेटा स्टेबल एंड देन स्टेबल सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट बेटिंग एजेंट बेटिंग एजेंट्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है सो so ये हमारे सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो कि सॉलिड लिक्विड इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज़ कर देते हैं ठीक है इट इज़ करेक्ट दे डिक्रीज द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सॉलिड एंड पार्टिकल्स एंड लिक्विड व्हीकल्स सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड व्हीकल्स के बीच में कॉन्टेक्ट एंगल को डिक्रीज करते हैं सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट

Which of the following additives is used as super disintegrant in the formulation of tablets? Tablets की formulation में super disintegrant most widely used sodium starch glycolate। ये नाम तो आपको पक्का याद रखना है super disintegrant के केस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर टाइप के एग्जाम में ये अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। Next question है, which of the following step of sugar coating? इन परफॉर्मिंग वाटर वेपर परमिबिलिटी टेस्ट तो शुगर कोटिंग के कौन से स्टेप में जो है वो वाटर वेपर परमीबिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है सो इट इज इन सील कोटिंग, सील कोटिंग में ही किया जाता है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिल्टर एफिशियंसी ऑफ हैपा फिल्टर इज और आर मेजर्ड वाई तो हैपा फिल्टर्स की फ़िल्टर एफिशिएंसी कैसे मेज़र की जा सकती है सो इट कैन बी मेजर्ड बाय मिनिमम एफिशिएंसी रेटिंग वैल्यू एंड मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल साइजेस एम इन दोनों से ही मेज़र कर सकते हैं हम हैपा फिल्टर की फ़िल्टर एफिशियंसी सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिवेशन टेस्ट एम्प्लॉय किया जाता है पायरोजन टेस्टिंग फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स स्टेराइल प्रोडक्ट्स की पायरोजन टेस्टिंग के लिए सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंगलीसमिकपर में प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज़ किया जाता है ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है आपका बेंज अल्कोनियम क्लोराइड सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन में प्रिजर्वेटिव कौन सा है बेंज अल्कोनियम क्लोराइड नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटेनियम डाइऑक्साइड इज कॉमनली प्रेजेंट इन सो टिटेनियम ऑक्साइड किस में प्रेजेंट होता है इनमें से किस ऑप्शन में सो इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन सनस्क्रीन क्रीम्स में सनस्क्रीन क्रीम्स में आपका टिटेनियम डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राईक्लोरोनोफ्लोरोन इज न्यूमेरिकली डिजाइन डेजिग्नेटेड एज ट्राइक्लोरोनोफ्लोरोन इसको न्यूमेरिकली डेजिग्नेट किया जाता है वाई नंबर डबल वन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट कैपिंग डिफेक्ट डज नॉट अक्कर ड्यू टू यहाँ पे डज नॉट कहा गया है किसकी वजह से अक्कर नहीं होगा टैबलेट कैपिंग इफेक्ट ठीक है कैपिंग डिफेक्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है मोस्टली इस टाइप से आता है कि क्यों किस वजह से जो है वो कैपिंग डिफेक्ट होता है यहाँ पर पूछा गया है कौन सी वजह नहीं है तो एयर एंट्रैपमेंट हम मोस्टली स्टडी करते हैं कि एन एयर एंट्रैपमेंट जो है वो टेबलेट कैपिंग डिफेक्ट का मेन रीज़न रहता है बाकी डीप कंकेव पंचेज टैबलेट प्रोसेसिंग स्पीड ये भी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से टैबलेट कैपिंग डिफेक्ट जो है वो होता है लेकिन प्रेजेंस ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ माइंडर इसकी वजह से आपका टैबलेट कैपिंग डिफेक्ट नहीं होता है सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सीरीज ऑफ़ स्टैंडर्ड्स डीलिंग विद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सो आई एस ओ नाइन थाउजेंड आई एस ओ नाइन थाउजेंड जो है वो सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डील करती है सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयली इंजेक्शंस कैन नॉट बी स्टरलाइज बाई ओटोक्लेम बिकॉज सो ऑयली इंजेक्शन्स को ऑटोक्लेव से स्टरलाइज नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो स्टीम है वो आपकी ऑयल्स में पेनिट्रेट नहीं कर पाती है ठीक है स्टीम जो है वो ऑयल में पेनिट्रेट नहीं कर पाती है जिसकी वजह से ऑयली इंजेक्शंस को ऑटोक्लेव से स्टरलाइज नहीं किया जा सकता है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री फ्लोज नेम्ड एज एक्स बाई एंड जेड आर ऑब्जर्व्ड

ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश हीट फ्लोज थ्रू अ बॉडी बाय द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स विदाउट एप्री डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स सो किस प्रोसेस में जो हीट है वो बॉडी के थ्रू फ्लो होती है वाई द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स बिना पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट से तो इट इज़ कंडक्शन ये प्रोसेस रहता है आपका कंडक्शन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉल मिल किस प्रिंसिपल पे काम करती है तो इट वर्क्स ऑन द प्रिसिपल ऑफ बोथ इम्पैक्ट एंड अट्रेशन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज एन एज फिल्टर इनमें से एज फिल्टर कौन सा है सो इट इज मेटा फिल्टर मेटा फिल्टर को एज फिल्टर भी कहा जाता है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर द सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए इनमें से किसका एम्प्लॉय नहीं किया जाता है सो इट इज प्रोपेलर प्रोपेलर मिक्सर प्रोपेलर मिक्सर इज नॉट यूज फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्स मिक्सिंग बाकी टम्बलिंग डबलकॉन एंड एजिटेटर दीज थ्री आर यूज फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट यूज फॉर एजिटेशन इन सीविंग ठीक है सीविंग में एजिटेशन के लिए इनमें से किसका यूज नहीं किया जाता है सो इट इज़ रोलिंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग ड्रायर्स इज कॉमनली यूज फॉर द ड्राइंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हाइग्रोस्कोपिक सब्सटांसिस की ड्राइंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है तो so, इसमें वैक्यूम ड्रायर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द यूज़ ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ क्या है सो इट इज यूज टू प्योरीफाई वायरसेज राइवोजोम्स एंड मेम्ब्रेन सो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग डिस्टिलेशन मैथड इज़ सुटेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल की प्रेपरेशन के लिए कौन सा डिस्टिलेशन मैथड सुटेबल रहता है सो इट इज एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरियल सेल्स आर मोर रजिस्टेंट टू ऑस्मॉटिकॉक देन यू कैरियोटिक सेल्स बिकॉज तो जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं टू ऑस्मोटिक शॉक देन यूकैरियोटिक सेल्स इसके पीछे का रीज़न क्या है उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इनकी जो सेल बॉल होती है वो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है सो so, इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट द एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन इन एन ऑटोक्लेव सो ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन की एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए किस एजेंट का यूज किया जाता है सो इट इज बेसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द माइक्रोबायोलॉजिकल एस एफ बेसिट्रास इन आई पी द टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज दिस बेसिट्रासन आई पी के माइक्रोबायोलॉजिकल एस ए के लिए टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है माइक्रोकोकस लूटियस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन ग्रो इन एसिडिक पीएच एसिडिक पीएच में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है तो so यह आपका रहता है लेक्टोबेसिलाई लेक्टोबेसिलाई जो है वो आपके एसिडिक पीएच पर भी ग्रो कर सकता है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज दर्पज ऑफ सेफरन इन इन ग्राम स्टेन टेक्निक ग्राम स्टेन टेक्निक में सेफ्रानिन का क्या यूज रहता है क्या परपज रहता है तो so, ये एज अ काउंटर स्टेन यूज़ किया जाता है जो कि टर्न कर देता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पिंक में ठीक है पिंक कलर में चेंज कर देता है सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो बैक्टीरिया आर स्टेन विद तो माइक्रो बैक्टीरिया को किससे स्टेन किया जाता है सो इट इज स्टेंड विद जेल नील्सन स्टेनिंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन माइटोकोन्ड्रिया इनमें से माइटोकोन्ड्रिया किसमें नहीं होती है सो so, बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया डज नॉट कंटेन माइटोकोन्ड्रिया सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज स माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं ए बी लिवेन होग ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंगू फीवर इज कॉज सो डेंगू फीवर जो है वो एरबो वायरस की वजह से कॉज होता है दैट इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइजोजाइम इज इफेक्टिव अगेंस्ट लाइजोजाइम किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है सो इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल पोलियो वैक्सीन इज सो ओरल पोलियो वैक्सीन की बात की जा रही है ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो आपकी लाइव एटेनवेटेड पोलियो वायरस होता है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिट्स आर प्रेजेंट इन सो प्लाज्मिट्स आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज ईस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करें नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम क्लीव्स द डी एन ए डी एन ए को कौन सा एंजाइम क्लीव करता है सो इट इज एंडो न्यूक्लियज क्लीव्स द डी एन ए सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एक्ट ऑन द डीएनए आफ्टर इट्स एंट्री इन टू द सेल कौन सा एंजाइम जो है वो डी एन ए काम करता है जब वो सेल में एंटर कर जाता है सो इट इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रेनबो कोड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाइट कलर इंडिकेट्स तो बायोटेक्नोलॉजी में जो रेनबो कोड होता है उसमें वाइट कलर क्या इंडिकेट करता है सो द वाइट कलर इंडिकेट्स द इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नॉन जीन इन ह्यूमन इज ह्यूमन में लार्जेस्ट नॉन जीन कौन सा है सो इट इज डिस्ट्रोफिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द एंटीबॉडीज इन्वॉल्व इन टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व रहती हैं सो दीज आर आई जी जी एंड आई जी एम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्टली अ वेक्टर इज यूज टू सो मोस्टली वेक्टर का यूज़ किस लिए किया जाता है सो इट इज़ यूज टू ट्रांसफर अ जीन जीन को ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर का यूज़ किया जाता है सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन एंडो तो इनमें से कौन सा ही रेस्ट्रिक्शन एंडो नहीं है सो डी एन ए लाइगेज जो है डी एन ए लाइगेज इज़ नॉट एन रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियज सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर इको आर आई इन थ्री व बी एच वन ये तीनों ही आपके रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक पायरीथियोन इन शैम्पू इज यूज एज जिंक पायरिथियोन का यूज शैम्पूज़ में क्या रहता है सो इट इज़ यूज एज एन एंटी डेंड्रफ

डेंटल प्रेपरेशंस में हिमेक्टेंट की तरह यूज़ होने वाला इंग्रेडिएंट सो इट इज़ स्टॉर्बिटोल हिमेक्टेंट यूज़ होता है स्टॉर्बिटोल एंड ग्लिसन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेल्टीहाइड इन मैनिक्योर प्रेपरेशन इज यूज एज मेनिक्योर प्रेपरेशंस में फॉर्मेल्टीहाइड का यूज़ क्या होता है सो so ये नेल हार्डनर की तरह यूज़ किया जाता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ लेनोलिन इन नाइट क्रीम्स नाइट क्रीम्स में लेनोलिन का रोल क्या रहता है सो इट इज यूज्ड एज इमोलियंट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर वाशेबिलिटी ऑफ क्लिनजिंग क्रीम्स और लोशंस इज इंक्रीज बाई इनकॉर्पोरेटिंग So, जो क्लींजिंग क्रीम्स और लोशंस होते हैं उनकी वाटर वाशेबिलिटी को इनक्रीज किसकी हेल्प से किया जा सकता है सो इट कैन बी इंक्रीज वाइन इनकॉर्पोरेटिंग सोडियम लोरियल सल्फेट एस एल एस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेविंग प्रिपरेशन फॉर्म इज नॉट प्रोड्यूस्ड इनमें से किस शेविंग प्रेपरेशन में फॉर्म प्रोड्यूस नहीं होती है लेथर शेविंग क्रीम शेविंग सॉप शेविंग स्टिक इन तीनों में फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस होती है लेकिन ब्रशलेस शेविंग क्रीम में फॉर्म इज नॉट प्रोड्यूस्ड सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग बैग्स इज यूज इन लिपस्टिक टू प्रमोट द स्प्रेडेबिलिटी, सो लिपस्टिक्स में स्प्रेडेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए कौन सी बैग्स यूज की जाती है सो इट इज सॉफ्ट पैराफिन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाई शैम्पू इज टेस्टेड बाय सो फॉर्म की स्टेबिलिटी जो कि शैम्पू में प्रोड्यूस होती है उसको कैसे टेस्ट किया जाता है सो इट कैन बी टेस्टेड बाय रोज स्माइल्स मैथड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द टेम्परेचर एट विच द लिपस्टिक लाइंग फ्लैट मेल्ट विद इन द केज एंड ऊज आउट ऑयल एंड फ्लैटन आउट तो किस टेम्परेचर पे जो लिपस्टिक है वो फ्लैट हो जाती है मेल्ट हो जाती है केस में ही एंड ऑयल जो है वो ऊज आउट हो जाता है ऑफ द फ्लैटन आउट सो so, ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर को कहा जाता है ड्रूप पॉइंट ठीक है दिस टेम्परेचर इज नोन एज ड्रूप पॉइंट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट टू अ सस्पेंशन ड्यूरिंग साइज एनालिसिस बाई एंडरसन पिपेट ऑपरेटर्स इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू सो डी फ्लोकुलेटिंग एजेंट की एडिशन सस्पेंशन में ड्यूरिंग साइज एनालिसिस ऑपरेटर्स कौन सा यूज कर रहे हैं एंडरसन पिपेट ऑपरेटर्स ये नेसेसरी होता है इन ऑर्डर टू ब्रेक पाउडर एग्रीगेट पाउडर एग्रीगेट को ब्रेक करने के लिए सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ प्लग फ्लो इज विजुलाइज ड्यूरिंग विस्कॉसिटी मेजरमेंट ऑफ प्लास्टिक मटीरियल इज एसोसिएटेड विद तो प्लग फ्लो की प्रॉब्लम विजुलाइज होती है बिस्कोसिटी मेजरमेंट के दौरान इन प्लास्टिक मटीरियल एंड ये आपका एसोसिएट रहता है कप एंड बोब बिस्कोमीटर के साथ में इट इज एसोसिएटेड विद कप एंड बोब बिस्कोमीटर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्शंस में भी स्टेबलाइज बाय द यूज ऑफ केरोलिन एंड द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स द इनहांस स्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू सो इमलशन को कैलिन और मैक्रो मोलिक्यूल्स के यूज के साथ में स्टेबलाइज किया जा सकता है अब जो ये इनहानस स्टेबिलिटी है ये किस वजह से आती है सो इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलिड पार्टिकल्स एट द इंटरफेस इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द स्टेबिलाइजेशन ऑफ द इंटरनल फेज ड्यू टू मल्टीलेयर एडजॉर्बशन ऑफ मेक्रो मोलिक्यूल्स

विच आर द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इंप्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटांस फार्मास्यूटिकल सब्सटांस में इम्प्योरिटी का सोर्स कौन सा रहेगा सो रो मटीरियल आपका रो मटीरियल में इम्प्योरिटी आ सकती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिएक्शन वेसल ये सारे ही आपके इम्प्योरिटीज़ के सोर्स रहते हैं फार्मास्यूटिकल सब्स्टांसिस में सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टमिक एसिडिफायर इनमें से एक सिस्टमिक एसिडिफायर कौन सा नहीं है सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ सिस्टमिक एसिडिफायर सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बाकी सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड दीज आर द सिस्टमिक एसिडिफायर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियोपेक सबस्टान्थ रेडियोपेक सब्सटेंस है आपका वेरियम सल्फेट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज यूज एज डेंटल सीमेंट डेंटल सीमेंट यूज किया जाता है जिंक ऑक्साइड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑब्जॉर्वेबल एंटा एसिड नॉन ऑब्जॉर्बेबल एंटा एसिड है आपका अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल बफर इनमें से कौन सा एक फिजियोलॉजिकल बफर नहीं है फॉस्फेट बाई कार्बोनेट हेमोग्लोबिन पार्टिकल्स दीज आर द फॉस्टफेट बफर्स दीज आर द फिजियोलॉजिकल बर्फर्स लेकिन बोरेट बफर जो है वो आपका एक फिजियोलॉजिकल बफर नहीं है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स शोज हाइएस्ट पेन्यूट्रिशन हाइएस्ट पेनिट्रीशन किस पार्टिकल की रहेगी सो इट विल बी जी पार्टिकल्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सोडियम सोडियम के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन मोनोसेक्राइड एंड अमाइनो एसिड अपटेक एंड और अब्जॉर्बेशन हाई इनटेक ऑफ सोडियम इनक्रीजेज कैल्शियम एक्सक्रीशन सोडियम इन सोडियम डेफिशिएंसी ड्यू टू वेट लॉस इज अ कॉमन इश्यू फॉर एथलीट्स और नन ऑफ द अब सो so, इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडिसक्रिमिनेट यूज ऑफ एंटा एसिड कॉजेज सो इनडिसक्रिमिनेट यूज एंटा का क्या कॉज करेगा सो इट विल कॉज अनकम्पनसेटेड अल्कलॉसेस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ मिथेन मॉलिक्यूल मिथेन मोलिक्यूल की शेप क्या होती है सो मिथेन मोलिक्यूल होता है आपका टेट्राहीड्रल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोलाइसिस ऑफ अल्किन्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सो अल्कींस की पायरोलाइसिस किसकी हेल्प से होती है सो इट इज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट इसिस ऑफ अल्किन है विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है सो इट रिप्रेजेंट द सेपरेशन ऑफ एनशियोमर्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज द कार्बोकेटाइन कंटेन कार्बोकेटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो इट विल हैव सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसमाइजेशन एंड इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन सो रेसमाइजेशन एंड इन्वर्जन आपकी न्यूक्लियोफिलिक्स सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में होती है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल वुड बी तो so, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच का जो रिएक्शन होगा उसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी एस्टर एंड वाटर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट बेसिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग तो मोस्ट बेसिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसमें से कौन सा रहेगा तो इट विल भी पायरोडिन पायरोडिन जो है वो इन चार में से पायरोल पायरोलिडिन फिरान एंड थाइफिन इनमें से पायरोलिडीन जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक कंपाउंड रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ अ गिव्स। गिव की ऑक्सीडेशन से मिलेगा हमें इथेनॉइक एसिड ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ठीक है सिंपल ट्रिक है अल्कोहल जो है अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा आपका अल्डिहाइड में एंड अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा आपका एसिड में नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉफमैन डिग्रेडेशन इज़ फॉर ओपनिंग रिंग सिस्टम इन हॉफमैन डिग्रेडेशन यूज किया जाता है फॉर ओपनिंग रिंग सिस्टम इन पाइप्रिड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल फैटी एसिड इनमें से कौन सा एक असेंशियल फैटी एसिड नहीं है सो लिनोलाइक एसिड लिनोलैनिक एंड अरेकिडोनिक एसिड दिज थ्री आर द असेंशियल फैटी एसिड लेकिन स्टेरिक एसिड जो है वो एक नॉन असेंशियल फैटी एसिड है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडिन नंबर इज द सो आयोडिन नंबर क्या है सो आयोडिन नंबर इज द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ अ फैट तो ये क्वेश्चन भी इस बार यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में आया हुआ था काफी इंपॉर्टेंट है तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कलाइन हाइड्रोलिस ऑफ अ ट्राई ग्लिसराइड सो ट्राई ग्लिसराइड की अल्कलाइन हाइड्रोलिस जो है वो होती है सेपोनिफिकेशन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड्स आर इन्सॉलिबल इन वाटर बिकॉज दे आर तो लिपिड्स जो हैं वो वाटर में इंसॉलिबल होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफॉबिक इन नेचर होते हैं दिज आर हाइड्रोफॉबिक इन नेचर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरानाइट्रोफिनॉल कंटेन्स पैरानाइट्रोफिनॉल क्या कंटेन करता है सो इट कंटेन्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं किसमें पैरानाइट्रोफिनॉल में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंटेड इन साइड चेन सो किस कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आपका साइड चेन में प्रेजेंट होगा सो इट इज प्रेजेंट इन फिनाइल एसिटिक एसिड फिनाइल एसिटिक एसिड में आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो साइड चेन में प्रेजेंट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मेड अप ऑफ टू और मोर बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर और कॉल्ड सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो कि दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग की फ्यूजन से बने होते हैं उन्हें कहा जाता है पोली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स और फ्यूज रिंग हाइड्रोकार्बन्स दैट इज ऑप्शन बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सो कौन सा आइसोमेरिक कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा सो इट इज टू पेंटेन टू अमाइनो पेंटेन जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है वो शो करेगा सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें आइडेंटिफाई करनी है सो द ट्रांस आइसोमर्स आर लेस स्टेबल देन करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर्स सो जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं सिस आइसोमर्स से तो so ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन द करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर्स दिस इज करेक्ट इन दिस आइसोमर टू सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड सिस आइसोमर्स में दो सिमिलर ग्रोप सेम साइड पर होते हैं ट्रांस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो so, ये भी करेक्ट है इन नन ऑफ द अब है सो इसमें इनकरेक्ट आपकी आ गई ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर तो यहाँ पर हमने हंड्रेड क्वेश्चन इस पेपर के कवर कर लिए हैं रिमेनिंग हंड्रेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि आज ही शाम को आ जाएगी सो so, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच